नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। 30 जून में चेन्नई एक हफ्ते पहले मौसम वैज्ञानिकों ने दक्षिणी हिंद महासागर में निम्न दबाव की स्थिति की पहचान की थी। 5 भारतीय सैटेलाइटों ने उस दबाव क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए रखी जो फोनी चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा था। 5 सैटेलाइट हर 15 मिनट पर भेज रहे थे डेटा। फोनी अत्यंत भीषण चक्रवात का रूप लेता जा रहा था। उधर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा भेजे गए सैटेलाइट हर 15 मिनट पर ग्राउंड स्टेशन पर डेटा भेज रहे थे। इस डेटा से फोनी को ट्रैक करने, उसके मूवमेंट के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाने और इस तरह से सैकड़ों जिंदगियों को बचाने में मदद मिली। फोनी 45 साल में पहली बार ऐसा तूफान। अब तक 16 की मौत फोनी के केंद्र के 1000 किलोमीटर के दायरे में थे। बादल भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक फोनी की तीव्रता, लोकेशन और उसके आसपास बादलों के अध्ययन के लिए इनसैट 3 डॉक्टर SCAT SAT 1 OCEANSAT 2 और मेघा ट्रॉपिक सैटेलाइट द्वारा भेजे गए डेटा का इस्तेमाल किया गया। फोनी के केंद्र के 1000 किलोमीटर के दायरे में बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश वाले बादल सिर्फ 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में थे। बाकी बादल करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे। तूफान के दौरान पूर्वानुमान में सैटेलाइटों की अहम भूमिका। IMD के डायरेक्टर जनरल के जे रमेश ने बताया कि सैटेलाइटों का पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर तूफान के दौरान। इनके द्वारा भेजे गए डेटा से हमें सटीक पूर्वानुमान जारी करने में मदद मिलती है। समय रहते सुरक्षित जगह भेजे गए लाखों लोग सैटेलाइटों के डेटा के हिसाब में IMD ने इस बात का सटीक पूर्वानुमान लगाया कि फोनी किस जगह पर लैंडफॉल करेगा। इस वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 11.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। SCAT SAT 1 से भेजे गए डेटा से चक्रवाती तूफान के केंद्र पर नजर रखी गई। वहीं OCEANSAT 2 समुद्री सतह हवा की गति और दिशा के बारे में डेटा भेज रहा था।